इसरार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिख रहे लाल बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड लास्ट में लाइक करना मत भूलें। थैंक यू। हरिद्वारा सभी का स्वागत है मेरे एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ऑफिशियल चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो मेरे पास है एक नई स्मार्ट वॉच स्पोर्ट की वॉच जो कि है सी शॉक। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई इसरार आपको बताएगा कि इस वाले वॉच में टाइम कैसे सेट करते हैं। दोस्तों अगर स्पोर्ट्स की वॉच है, जी शॉक की वॉच है या फिर कोई भी ऐसी वॉच है जिसमें आपको चार बटन मिलते हैं, पहला लाइट का, दूसरा मोर, तीसरा स्टार्ट एंड चौथा रीसेट का, अगर उसमें चार बटन है तो बिल्कुल यही ट्रिक आपको उस वाले वॉच में भी आजमाना है। उसी तरीके से आपको टाइम को सेट करना है। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन भाई के लिए जिन भाई को टाइम सेट करना नहीं आता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि वीडियो को स्किप मत करना, करना है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बड़े भाई आप देख लो अभी हमारे पास कौन सी वॉच है, सी शॉक की वॉच है। तो आपके पास आर शॉक है, एल शॉक हो, सी शॉक हो और कोई सी भी शॉक हो तो है ना, अगर उसमें चार बटन है तो इसी तरीके से आपको टाइम को सेट करना होगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो 4:15 जबकि ये गलत टाइम है। राइट टाइम करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोटर बटन को, ये घंटे का है, ये मिनट का है, ये सेकेंड का है, ये तारीख है, सॉरी ये महीने का है, ये तारीख है, देन ऊपर आपका है डे, मतलब कौन सा दिन है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एंड अब बता दूँ आपको कि टाइम कैसे सेट करते हैं। देखो तो टाइम सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मॉडल बटन को 1, 2, 3 बार दबा देना। दोस्तों जब 3 बार दबाएंगे ना तो जो मिनट सेकंड वाला है ना वो ब्लिंक करने लगेगा, मतलब लप लुप ऐसे करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही लप लुप करेगा ना मेरे भाई तो उसके बाद आपको एक बार रिसेट को दबा देना है। जब रिसेट को दबाएंगे तो जो घंटे वाला है ना वो ब्लिंक करने लगा, जब घंटे वाला ब्लिंक करने लगा और यहाँ आ जाएगा AM, मतलब अभी ये सुबह का टाइम है तो हमें करना शाम के PM में। तो स्टार्ट में लेके जाएंगे इसको और देखो 12 के बाद ये PM हो जाएगा है ना, पी हो गया ना। अब PM में हमें करना है इसको 9:10, तो हमने इसको कर लिया बड़े भाई 9, ठीक है। उसके बाद एक बार रिसेट को दबा दिया तो घंटे मिनट वाला ब्लिंक कर रहा है, मिनट वाला ब्लिंक करने लगा तो स्टार्टिंग में सबको कर लेना है इसको 9:10 हो रहा है, ये हमने यहाँ से कर लिया मेरे भाई। ओ सॉरी 14 हो गया, कोई नहीं हम फिर से करके दिखाते हैं। वैसे आप कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहे 14 हो 15 हो मिनट अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आगे हो भी गया ना तो हम फिर से वापस जाएंगे और इसको करेंगे 10, ठीक है, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये देखो उसके बाद 9:10 हो गए, उसके बाद आपको इस वाले बटन को दबा देना। जब इस वाले बटन को दबाएंगे तो ये देख पा रहे हो 9:10 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सेकेंड चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा और टाइम सेट करना भी सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।